और वीडियो की जो क्वालिटी अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रही है तो वीडियो की क्वालिटी को 360 या 480 कर लीजिएगा। कहाँ पे जाके हो जाएगी वो, आपकी वीडियो के साइड में जो थ्री डॉट्स बने हुए हैं वहाँ जाके क्वालिटी लिखा होगा टैब, उस क्वालिटी के अंदर जाके 360 या 480 कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो के नीचे की साइड यहाँ पर एक सब्सक्राइब वर्ड करके एक बटन लिखा होगा वर्ड, उसको पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को इजीली देख पाएंगे। ठीक है, मैं एक मिनट वेट करता हूँ और जो जो बच्चे आ गए हैं वो फटाफट से अपना नाम लिख दीजिए कमेंट्स के अंदर कि हाँ हम आ गए हैं, अपना नाम। ठीक है, और ऑन टाइम ज्वाइन कीजिएगा, फटाफट से अपना नाम लिखिए नीचे जाके। मैं ओनली एक मिनट वेट करूँगा सब बच्चों का, फिर स्टार्ट कर दूँगा आज का अपना चैप्टर। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बीस सेकंड लास्ट। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए, आपका जो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो भोजन यानी जो खाना आप खाते हो फूड आइटम्स वो आता कहाँ से है। सबसे पहले अपन जो इस बात पे ध्यान देंगे वो ध्यान देंगे फूड, फूड होता है क्या है, हम इसको कंज्यूम क्यों करते हैं। तो बात करूँ मैं फूड की, तो फूड हम खाते क्यों है, क्योंकि फूड से बेटा हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी का क्या करते हैं हम, एनर्जी हमारे क्या काम आती है, तो एनर्जी हमारे को काम करने में हेल्प करती है, या हमें एनर्जी क्या करते हैं, इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, टू डू वर्क, इसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो, कोई भी काम कर पाते हो। ठीक है, तो जो फूड होता है, फूड क्या है बेटा, फूड जो है बेसिकली कुछ इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना हुआ होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें, वो सब्सटेंस जिसको डाल के आप अपना फूड बनाते हो। ठीक है, कुछ इंग्रेडिएंट्स, एक एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे फूड है आपके सामने रोटी, रोटी है, उस रोटी तो क्या है बेटा, आपके फूड है। ये फूड किस, रोटी जो है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर एक तो है आपके आटा, इसके अलावा जो है और आपके वाटर, आटा और वाटर इन दोनों की वजह से आपके बनती है रोटी। ऐसे कैसे अगर बात करूँ मैं आपके दाल की जो आप बनाते हो, दाल जो है वो किस किस से मिलकर बनती है, तो बेटा ये पल्सेस से मिलकर बनती है, पल्सेस के अलावा वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सब मिलके आपके बनती है दाल। दाल तो क्या हो गया आपकी फूड आइटम, और इसमें जो ये रॉ मटेरियल डाला, जैसे रोटी के अंदर रॉ मटेरियल क्या डाला, आटा और वाटर, ये क्या हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स, क्या हो गए बेटा, ये हो गए इसके, ओके बेटा प्रतीक्षा आ गई है, तो ये क्या हो गए बेटा इसके, ये हो गए ये इंग्रेडिएंट्स, ओके ये क्या है बेटा इंग्रेडिएंट्स, दिस इज योर फूड, ये आपका फूड है। ठीक है, अगर बात करें इन इंग्रेडिएंट्स की, तो इन ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं बेसिकली हमें दो जगह से, दो सोर्सेज से ऑप्टेन होते हैं, दो अलग अलग सोर्सेज से हमें ये इंग्रेडिएंट्स ऑप्टेन होते हैं। मैं बात पानी की या मसालों की बात नहीं कर रहा, मैं मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें दो जगह से मिलते हैं। द फर्स्ट वन आपके जो है वो क्या है, वो है आपके प्लांट्स। जो सेकंड होता है वो आपके होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दो तरीके से के हमें क्या मिलते हैं, सोर्स होते हैं, जिससे हमें हमारे को क्या मिलते हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अगर मैं आपके सामने अगर बात करूँ एक एग्जांपल की, एक एग्जांपल क्या है आपके, एग्जांपल है आपके खीर। खीर जो है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, खीर इज योर फूड आइटम। बेटा खीर क्या है, अगर खीर की बात करो तो खीर क्या है, ये एक फूड आइटम है जो हम खाते हैं, डेफिनेटली इज अ फूड। ये फूड आइटम कुछ इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है। अब आप सभी को बताएगी, सभी ने खाई है खीर, खीर के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर खीर जो है वो हमें मिलती है
बनती है, एक तो मिल्क, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, मिल्क, राइस और शुगर, राइस और शुगर। अगर बात करूँ बेटा मिल्क, मिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो मिल्क हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स ऑब्टेन होता है ना, तो ये आपके क्या हो गए, एनिमल्स। राइस और शुगर ये कहाँ से ऑप्टन होता है हमें दोनों के दोनों, तो ये दोनों के दोनों हमारे ऑप्टन होते हैं प्लांट से। इसका मतलब आपके जो फूड आइटम्स है, ये फूड आइटम्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हमें, अंकिता आ गई, ओके बेटा, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, बेसिकली दिस इंग्रेडिएंट्स हैं हमें कहाँ से ऑप्टन होते हैं, फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए खीर एक फूड आइटम है, जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेटा वो मिल्क है, राइस है, शुगर, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स है। ये इंग्रेडिएंट्स में से जो मिल्क है इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, ये एनिमल प्रोडक्ट होता है, राइस और जो शुगर है ये प्लांट्स प्रोडक्ट है, जो हमें प्लांट्स से ऑप्टेन होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, जैसे चिकन करी, चिकन करी के जो इंग्रेडिएंट्स है बेटा वो चिकन है, चिकन आपको पता है एक एनिमल में आता है। और स्पाइसेस की बात करेंगे, नहीं ऑयल की बात करें, ऑयल या जो घी है, ऑयल और जो घी है हमें प्लांट से मिलता है, इसके अलावा हमारे को एनिमल से मिलता है, और जो घी है वो भी हमें प्लांट से मिलता है, याद रखिएगा। जिसको बोलते हैं डालडा, डालडा घी जो होता है वो एक प्लांट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये अपना यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स की। पहले अपन बात करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को हम एज ए इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर अब मैं सिंपली एक प्लांट बनाऊं, सिंपली एक प्लांट बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्लांट, ये आपके एक प्लांट है जो कि ये है। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है तो। और इसके अंदर क्या किया मैंने, सिंपली लीव्स हो गई, ये आपका फ्रूट हो गया, ठीक है। इधर की साइड आपके मान लीजिए, इधर की साइड कुछ नहीं, इधर की साइड कोई फ्लावर, फ्लावर के लिए ये हो गया, ठीक है। नीचे की साइड आपके बेटा रूट्स आ गई, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक प्लांट बनाया। तो इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट के दो पार्ट मेजरली हम बोल सकते हैं बेटा। नीचे वाला जो पार्ट है, जो जमीन के नीचे है, इसको हम बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं बेटा, रूट। और जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड योर शूट, ठीक है। ये जो जमीन के सरफेस के नीचे होता है उसको अपन बोलेंगे रूट, और जो जमीन या सरफेस के ऊपर होता है उसको बोलेंगे हम शूट। रूट्स में बेसिकली रूट्स आते हैं। शूट के अंदर क्या क्या आते हैं, तो देखो ये है आपका स्टेम, ये आता है, ये ब्रांचेस आती है, ये दिस इज योर लीव्स, लीव्स आते हैं, फ्लावर आता है इसके, फ्लावर, ये आपका हो गया फ्रूट। फ्रूट्स के अलावा जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने मान लिया ये एक बर्ड है, ये आपके आते हैं, देखो ये आपके नोड है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना इसको बोलते हैं नोड्स, जिस पॉइंट से आपके ब्रांचेस निकलती है अपने नोड्स होती है, दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जगह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जगह है इसको बोला जाता है इंटर नोड्स, ठीक है। इनको बोला जाता है अपने इंटर नोड्स। क्या सारे के सारे प्लांट्स खाने योग्य होते हैं, मतलब सारे प्लांट्स को खा सकते हो, जैसे सड़क पर चले गए आपको भूख लगी, साइड में कुछ घास फूस उगी थी आपने खा ली, क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं। सारे के सारे प्लांट्स खाने लायक नहीं होते हैं, कुछ प्लांट्स खाने लायक होते हैं, कुछ प्लांट्स खाने लायक बेसिकली नहीं होते हैं। तो जो प्लांट्स खाने लायक होते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, उनको हमें बोला जाता है एडिबल प्लांट्स, एडिबल, ठीक है, एडिबल प्लांट्स बोला गया, एडिबल्स प्लांट। और जो प्लांट्स खाने नहीं खा सकते हैं, उनको बोला जाता है नॉन एडिबल्स बोला जाता है उनको, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में अगर बात करें तो प्लांट्स के सारे पार्ट आप नहीं खाते हो, प्लांट्स का पर्टिकुलर कोई पार्ट, जैसे प्लांट की बात करें कुछ प्लांट्स के आप रूट खाते हो, कुछ प्लांट्स में आप उन प्लांट्स के लीव्स को खाते हो, कुछ प्लांट्स में आप उनके फ्लावर को, कुछ में उसके फ्रूट्स को खाते हो, है ना। तो हर प्लांट्स में कुछ पार्ट होते हैं, जो पार्ट्स हम कंज्यूम करते हैं। जैसे आपके एक लिखा हुआ एग्जाम्पल मैं आपके पास बताऊँ, मैं आपके जैसे मैंने लिया ब्रिंजल, ठीक है,
ब्रिंजल की बात करूं, ब्रिंजल जो है यानी कि बैंगन, बैंगन क्या है, बैंगन क्या, इस बैंगन जो आपका प्लांट है उसका मैं अंदर जो बैंगन जो आप कंज्यूम करते हो वो किस में आता है, वो लीव्स में आता है, फ्रूट में आता है, फ्लावर में आता है? आप अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे बोलोगे बेटा कि ये जो ब्रिंजल होता है यानी कि जो बैंगन होता है ये क्या है बेटा, ये एज ए फ्रूट आप इसको कंज्यूम करते हो, हाँ बनाते इसकी सब्जी हो आप, लेकिन ये होता है क्या है, ये होता है आपके फ्रूट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैं और एग्जाम्पल आपके सामने दूँ तो क्या दूँ मैं, हाँ अगर बात करूँ मैं कैबेज की यानी पत्ता गोभी की, तो वो क्या है, वो इसमें आप क्या खाते हो, बिट्स बेसिकली लीव्स को खाते हो, जो पत्तियां होती है ना उस लीव्स को खाते हो। अगर बात करूँ मैं कैरेट की यानी गाजर की, उसमें आप क्या खाते हो, उसमें बेटा आप रूट्स को खाते हो। और अगर बात करूँ गन्ने की, शुगर केन, उसमें क्या, उसमें आप मेजरली क्या कंज्यूम करते हो, आप स्टेम यानी कि उसके तने को एज ए फूड आइटम के रूप में कंज्यूम करते हो। इसका बेसिक मीन्स क्या हो गया है कि किसी प्लांट के अंदर पर्टिकुलर कोई पार्ट होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। समझ में आ गया इतना कि हम पूरे पूरे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ईडेबल होते हैं, ठीक है। इसमें एक बात भी और लिखी हुई है, इसमें दो एक लड़का लड़की है, भूजो और उसकी एक फ्रेंड है, आई डोंट नो द नेम, तो उसमें ऐसा बोला है कि क्या हमें हमारे आसपास के सब प्लांट्स को खा खा के चेक करना चाहिए क्या कि ये प्लांट्स खाने लोग खाने योग्य है या नहीं, या ईडेबल है या नहीं है? तो नहीं, हमें किसी भी ऐसे प्लांट को नहीं खाना चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो एडिबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जहर होता है, पॉइजन होता है, डेट्स वाई वो आपको क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें ओनली वही प्लांट्स खाने चाहिए जिसके बारे में हमें पता है। ऐसा नहीं है सड़क पर चल रहे हो यहाँ ये प्लांट देखने में ऐसा लग रहा है कि खाने लायक है और आप उसको खा गए और पता चले हम आपके दो दिन बाद घर के अंदर आके बोल रहे हैं कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, ऐसा ना हो, इसलिए ऐसा ना नहीं करें, ठीक है। ओके और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके वो है स्प्राउट, यही है ना। स्प्राउट्स क्या होते हैं, देखो मान लो आपने कुछ सीड्स लिए, जैसे मैंने ली ग्राम लिया कोई एक, मैंने मूंग की दाल ली या कोई भी दाल ली, उसको मैंने कुछ टाइम के लिए पानी में डाल के रखा या कुछ उसको पानी में डाल के रखा, बाहर निकाला और सुखा दिया, तो आप देखते हो नेक्स्ट डे उनके अंदर से वाइट कलर की एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सफ़ेद कलर का एक धागेनुमा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक दाना लिया मूंग की दाल का, उसको मैंने पानी में डाला, या मटर का लिया या किसका भी लिया, इस मटर का नहीं मैंने गेहूं का दाना लिया, तो उसमें आप देखो कि कुछ टाइम बाद पानी डाल के आप उसको बाहर हो गए तो उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है सफ़ेद कलर का। तो इस ये जो होता है ना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ये मतलब निकल गया ना आप इसको बोलेंगे स्प्राउट की, भाई ये जो सीड है ये क्या हो चुका है, ये स्प्राउट हो चुका है, ठीक है। दर्शना, दर्शना भी आ गई, ओके, तो इसको बोलेंगे हाँ कि ये स्प्राउट हो चुका है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, इसके अंदर कोई भी जो सीड है उसमें अंदर क्या हो जाता है, स्प्राउट हो जाता है, उसमें जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागेनुमा स्ट्रक्चर जो है निकल जाता है। ये एक्चुअल में इसकी रूट होती है, ये एक्चुअल में क्या होती है इसकी रूट, अगर इसको आप किसी मिट्टी में सो कर दोगे, बो दोगे, तो वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बुक के अंदर दिया हुआ है स्प्राउट्स के बारे में कि अगर आप किसी कुछ दाल हैं उन दालों को अगर पानी में डाल के रखोगे, उसको टाइट किसी कपड़े में बांध के रखोगे, तो नेक्स्ट डे आपको वो स्प्राउट हो जाएंगी, वो फ्रूट्स है ना, वो जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, और जो एंड में आपको ये मिलता है इसको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स, है ना, कि ये जो सीड्स है इसको हिंदी बोलते हैं अंकुरित, ये मेजरली ये वर्ड घर में चलता है अंकुरित, ठीक है। ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं, खैर ये बात भी ठीक है, लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना। जैसे आपके इसमें बुक के अंदर दो तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो आपके दिया हुआ है चना, चने के कुछ एक साइड चने की पिक्स है, उसके आगे की साइड चने की दूसरी पिक्स है जिसके अंदर सफ़ेद कलर के धागे नुमा स्ट्रक्चर निकला हुआ, दिस इज नोन एज द रूट्स, और वो उसको बोलेंगे अपन कि स्प्राउटेड चना, कि भाई जो चने हैं वो स्प्राउट हो चुके हैं, स्प्राउटेड ग्राम, है ना। प्रोसेस को बोलते हैं अपन जर्मिनेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन जर्मिनेशन, जो कि क्लास फिफ्थ में भी आई थी आपके ये प्रोसेस, ओके, ये अपना हो गया। इसके अलावा एक बात नेक्स्ट आपके लिखा हुआ है हनी के बारे में, इसे बोला हुआ कि आप जानते हो कि जो हनी है, बेसिकली जो मैं बात करूँ हनी की, तो वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि हनी जो है जो शहद है
जो आप हनी कॉम देखते हो, मधुमक्खी के छत्ते देखते हो, तो उसमें जो हनी आती है ये बनती कहाँ से, कहाँ से आती है, तो इसको याद रखिएगा। जो हनी है इस, ये एक्चुअल में बनाते तो कौन है, ये जो हनी बीज को होते ना, ये मधुमक्खी ये बनाती है, लेकिन ये शहद लाती कहाँ से है, तो बेसिकली ये प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उनमें से नेक्टर होता है, एक लिक्विड होता है नेक्टर, उसको लेकर, उसको चूस कर उसकी हेल्प से बनाती है हनी बी। हनी बी क्या बनाती है, हनी बनाती है, जो कि हनी कॉम में होता है, ठीक है। व्हाट अबाउट एनिमल ईट्स, एनिमल क्या खाते हैं, नेक्स्ट आपके है कि व्हाट अबाउट एनिमल ईट, कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो है वो क्या खाते हैं, तो बेसिकली एनिमल तीन चीज़ें खाते हैं, या तो एनिमल खाते हैं प्लांट्स, या कुछ एनिमल्स होते हैं जो खाते हैं वापस अनदर एनिमल्स को, या कुछ ऐसे प्लांट एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। पहला क्या बोला मैंने कि एनिमल्स क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं, क्या क्या ईट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो ओनली दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब वो एनिमल्स जो जो ओनली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उनको बोला जाता है हर्बीवोरस, हर्बी, ठीक है, इसको बोला जाता है हर्बीवोरस, ठीक है। ये हो गया आपके हर्बीवोरस, क्या वो एनिमल्स जो ओनली डिपेंड करते हैं किस पे, अनदर प्लांट्स पे, वो हो गया आपके हर्बीवोरस। कार्निवोर एनिमल्स को कंज्यूम करने वाले को क्या बोलते हैं अपन, इनको बोला जाता है कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस इसको बोला जाता है। अब वो जो दोनों कंज्यूम करते हैं, दोनों कंज्यूम करने का बेसिक मीन्स क्या है कि प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और किसको, एनिमल को भी कंज्यूम करते हैं, उनको बोला जाता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस में बेसिक मीन्स जो हर्बी लिखा हुआ है, हर्बी मीन्स हो गया प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले। कार्निवोरस में जो कार्नी लिखा हुआ है, कार्नी का मतलब नहीं है कि कार्नी को कंज्यूम करने वाले, कार्नी का मतलब क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं ना, दांत, वो दांत अलग अलग टाइप के होते हैं, आगे वाले जो दांत होते हैं उनको बोला जाता है इंसीजर्स, है ना, इसके बाद में साइड में इसके जस्ट चार दांतों के पास वाले जो दो दांत होते हैं वो थोड़े नुकीले होते हैं, जो केनाइंस, जिनको केनाइंस कहा जाता है, क्या केनाइंस। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें ये जो दांत होते हैं ना, ये केनाइंस, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डॉग्स, या फिर मैं बात करूँ लोयन, लोयन जो है उसकी बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ स्नेक की, तो ये वाले दांत उनके क्या होते हैं, केनाइंस, बड़े होते हैं। इस केनाइन से बना है कार्निवोरस, ठीक है। और बात करूँ मैं ओमनीवोरस की, तो ओमनीवोरस क्या हो गए, वो जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यह था आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर बड़ा ही सिंपल था, फर्स्ट चैप्टर आपके फिफ्थ क्लास से भी सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर इतना सा था। इसके फटाफट से अपन इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको एना टुडे क्वेश्चन आंसर करना है कॉपी के अंदर। आपके इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बी नीड्स द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो लिविंग बींग्स है वो सेम टाइप के खाना खाते हैं, सारे के सारे जो लिविंग बींग्स है सेम टाइप का खाना खाते हैं, तो इसका आंसर है सिंपली नो, इसका आंसर नो। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, दे हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, उनकी अलग अलग क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पर वो खाते हैं, अपना भोजन कंज्यूम करते हैं। जैसे जो आप बात करो लोयन की, तो लोयन थोड़े ना आलू के पराठे खाएगा, लोयन जो है वो तो मांस खाएगा, तभी तो उसके पास इतनी एनर्जी आएगी कि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। हम बात कर रहे हैं किसकी, गाय की, तो गाय के सामने अगर आप मांस रख दो तो गाय नहीं खाएगी, वो अपना बेसिकली जो प्लांट्स है उसी को कंज्यूम करेगी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उससे कंप्लीट होती है। और बात करें एनिमल्स की या ह्यूमन की, तो वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खाने का मतलब नहीं है कि जहर, बेसिकली वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खा लेते हैं, इसलिए वो ओमनीवोरस में आते हैं, दिस इज द आंसर। इसके बाद जो सेकंड है बेटा, सेकंड लिखा हुआ है, नेम फाइव प्लांट्स एंड दियर पार्ट्स दैट वी ईट, आज आपको पाँच प्लांट्स के नाम लिखना है, और उन प्लांट्स के नाम में आपको बताना है कि आप क्या खाते हो उस प्लांट्स में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, ब्रिंजल एक प्लांट है जिसमें आप उसका क्या खाते हो, फ्रूट खाते हो। अगर बात करूँ मैं आपके वीट की, तो वीट भी एक प्लांट है, गेहूँ, जिसके आप क्या खाते हो, सीड्स खाते हो। एक मैं बात करूँ आपके कार्बेज की, यानी इसकी क्या हो गया ये, पत्ता गोभी, जिसमें आप क्या खाते हो, उसके फ्लावर्स, ये क्या हुआ, ये लीव्स में, इसको लीव्स में खाते हो उसके। इसके अलावा क्या हो गया, कैरेट,
और रेडिश, जिसमें आप क्या खाते हो उनकी रूट्स को कंज्यूम करते हो, ये आपके पाँच हो गए। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है आपके, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, देखो सारे के सारे जो है कर्ड मिल्क से मिलके बना हुआ है, पनीर भी मिल्क से बनता है, घी भी मिल्क से बनता है, तो सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट्स है। सारे के सारे क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स। और स्पिनिच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, स्पिनिच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके वेजिटेबल्स हैं। लायंस एंड टाइगर, ये क्या करते हैं, ये किस में आते हैं, सॉरी कार्निवोरस में, तो ये क्या है, ईट अनदर एनिमल्स। और नेक्स्ट है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस आर क्या है, आर ऑल क्या है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ये वो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट दिया हुआ है टाइगर इज ए कार्निवोरस बिकॉज इट्स ईट मीट्स, ओनली मीट्स है ना। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स सो इट इज ए हर्बीवोरस। पैरेट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। द दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम द काउज बफेलो। द क्या, आप क्या खाते हो, द मिल्क, आप जो मिल्क कंज्यूम करते हो वो काउज या बफेलोज वहाँ से हमें मिलता है, ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। और जो सी लास्ट है, वी ईट शुगर, सॉरी वी गेट शुगर, हम शुगर कहाँ से मिलता है हमें, शुगर हमें शुगर केन से मिलता है, गन्ने से मिलता है हमें शुगर। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ इट्स योर टर्न, आपके पास टाइम है, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, नहीं अगर आ गया तो प्लीज़ बोल दीजिए आ गया, अगर डाउट है कोई तो आप मुझे पूछ सकते हो राइट नाउ, फटाफट से डाउट से तो पूछ लो फटाफट से मुझे, क्या डाउट है तुम्हें फटाफट से अपने डाउट्स पूछ लो, अदरवाइज मैं पूछूंगा फिर। ओके, तितिक्षा, अंकिता एंड दर्शना, आस्क योर क्वेश्चंस राइट नाउ। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लिख दीजिए कि सर नो डाउट्स। फास्ट फटाफट से लिखिए, यू हैव टू मिनट्स टू राइट, फटाफट लिखिए। सो किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके तितिक्षा, अंकिता एंड दर्शना, होप ये आपका समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के ओनली आपको क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ही छोटे हैं जो आपने आपकी कॉपी में करने हैं। ओके, ऑलराइट, अपनी नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम पे होगी, रेडी रहिएगा उसके लिए, और अपने आसपास वाले अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लासेज ऑन हो चुकी है। ओके देन, ध्यान रखिएगा। ओके, नो डाउट्स, ठीक है बेटा।